guys, welcome or welcome back to my channel. If you're new to my channel, then this is me, Nehal Bodra. Please consider a moment to subscribe to my channel. So, आज के informative series में मैं आज बात करने वाली हूँ about breast pump. So, क्या होता है breast pump? इसके क्या benefits है? कौन सा है सबसे अच्छा breast pump in the market? उसके क्या-क्या features है? इन सारे topics को आज हम cover करने वाले हैं इस video में. So, if you're interested, then keep on watching. So, मेरा बेटा अवीर अभी हो गया है 2 years का and मैंने मेरे बेटे अवीर को 20 months तक breast feed किया है and मेरा जो full breast feeding process था काफी ज्यादा स्मूथ था कम्पेयर टू अदर मदर्स ओनली बिकॉज आई मेड अ डिसीजन ऑफ यूजिंग अ ब्रेस्ट पंप. सो मैंने जो ब्रेस्ट पंप यूज किया है वो है द लव लैब्स इलाइट ब्रेस्ट पंप एंड मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आए एंड इसीलिए मैं आपको इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड ब्रेस्ट पंप इन द मार्केट. सो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है ब्रेस्ट पंप. अगर आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ब्रेस्ट पंप एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मॉडर्न एज की टेक्निक है जिससे एक मदर अपना खुद का ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके स्टोर करके अपने बेबी को फीड कर सकते हैं. ये एक बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट मुझे लगता है बिकॉज रियल टाइम बेसिस पे अगर आपको अपने बेबी को फीड नहीं करना है तब भी आप पैसिवली अपने बेबी को फीड कर सकते हो ओनली बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस. सो मार्केट में 2 टाइप के ब्रेस्ट पंप मिलते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप, एक होता है मैनुअल ब्रेस्ट पंप. इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप होता है इलेक्ट्रिसिटी से यूज किया जाता है एंड मैनुअल ब्रेस्ट पंप उसे मैनुअली यूज कर सकते हो विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रिसिटी. सो दोनों के अपने अपने फायदे एंड एडवांटेजेस है. इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप पर बात करने वाली हूँ. सो सबसे पहले समझते हैं व्हाई इज ब्रेस्ट पंप सो इम्पोर्टेंट इन टुडेज लाइफ. सो जब एक मदर अपने बेबी को बर्थ देती है हर एक मदर को वरी होता है कि वो अपने बच्चे को जल्द से जल्द ब्रेस्ट फीड करे बट हर मदर के लिए ये प्रोसेस इजी नहीं होता है. काफी मदर्स बहुत चैलेंजेस फेस करती है वाइल्ड ब्रेस्ट फीडिंग. जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो लैच नहीं करते, कई तरह के रीजन हो सकते हैं, कभी कभार बेबीज को सप्लाई नहीं मिल पाता. सो ब्रेस्ट पंप का सबसे अच्छा फायदा ये है कि इट इंश्योर्स दैट द मदर्स मिल्क सप्लाई इंक्रीजेस, यानी मदर का जो मिल्क सप्लाई है बढ़ जाता है. तो ये सबसे बड़ा फायदा है. जैसे जैसे मदर पंप करती है बॉडी को पता चलता है कि डिमांड ज्यादा है तो इसीलिए वो सप्लाई भी उतना ही करती है. सो इससे क्या है डिमांड एंड सप्लाई भी मेंटेन रहता है. दूसरा फायदा स्पेशली वर्किंग मदर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा सेवियर एंड हेल्पफुल है बिकॉज इंडिया में जैसे आप देखोगे 6 मंथ्स की मेटर्निटी लीव के बाद मदर्स हैव टू ज्वाइन बैक वर्क एंड ऐसे वक्त पे मदर्स के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है, काफी डिप्रेसिंग हो जाता है बिकॉज इवन इफ द मदर वॉन्ट्स टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग शी के नॉट ओनली बिकॉज शी इज नॉट देयर फॉर दोज 9 आवर्स ऑफ पीरियड जब वो वर्क पे जा रही है. सो इसीलिए ब्रेस्ट पंप बिकम्स वेरी यूजफुल एट सच टाइम बिकॉज वो ब्रेस्ट पंप के हेल्प से अपना मिल्क एक्सप्रेस करके अपने बेबी को स्टोर करके कोई भी जो घर का केयर टेकर है या आपका पार्टनर है वो अपने बेबी को फीड कर सकते. तीसरा फायदा इसका ये है कि एंगेजमेंट होने से बचाता है, यानी मदर को गार्ट होने से बचाता है. सो क्या होता है कोई कोई मदर्स का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है तो उस वजह से गार्ट होने के चांसेस होते हैं. अगर मदर को गार्ट हो जाती है तो उसे बहुत ही एक सीरियस कंडीशन माना जाता है. कई बार वो गार्ट निकलती नहीं तो ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, मदर इल भी हो जाती है, मदर को फीवर भी आ जाता है तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है. सो इसीलिए ब्रेस्ट पंप एंगेजमेंट होने से बचाता है. सबसे बेस्ट बेनिफिट जो मुझे इसमें ये लगता है कि बिकॉज आप इसे एक्सप्रेस करके स्टोर कर सकते हो आपका बच्चा सिर्फ आपसे ही फीड लेने के लिए डिपेंडेंट नहीं रहता है. ये जो एक्टिविटी है ये कोई भी आपका पार्टनर कर सकता है या कोई भी केयर टेकर है बेबी का वो भी कर सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है इस एक्टिविटी में एंड उस वक्त आपको आपका मी टाइम मिलता है, अच्छे से रिलैक्सेशन टाइम मिल जाता है टू रिकवर, टू रिजुविनेट एंड बेसिकली जस्ट टू फील गुड. ये थे सारे बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द ब्रेस्ट पंप. अब बात करते हैं कौन सा है सबसे अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग पंप इन द मार्केट. जो ब्रेस्ट पंप मैंने अपने बेबी के लिए यूज किया वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी एंड दैट इज द लव लैब्स इलाइट इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप. एज यू कैन सी ये बहुत ही बड़ा पैकेज में आ जाता है एंड इसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं जिससे आपको बहुत इजी हो जाता है समझने में कि आप इसको एग्जैक्टली कैसे यूज करना है. सो कुछ इस तरीके का ये ब्रेस्ट पंप है. एज यू कैन सी द डिजाइन इज वेरी स्लीक एंड वेरी स्टाइलिश, वेरी मॉडर्न एंड बहुत ही लाइट वेट का ये इलेक्ट्रिक पंप है. इसमें आपको मिलता है सॉफ्ट सिलिकॉन कुशन. सिलिकॉन कुशन के कारण आपके ब्रेस्ट पे आसानी से फिट हो जाता है.
इसके अलावा आपको इसमें मिलता है मसाज पेटल्स। इस डिजाइन के एक्यूप्रेशर से ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो बहुत ही इजीली एक्सप्रेस होता है। इसमें आपको मिलते हैं टू फेजेस ऑफ एक्सप्रेशन, यानी डिपेंडिंग ऑन आपको कौन से रिदम में मिल्क एक्सप्रेस करना है, फास्ट एक्सप्रेस करना है या स्लो एक्सप्रेस करना है, आप फेज वन या फेज टू सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको इसमें मिलते हैं 9 इंटेंसिटी लेवल्स, यानी डिपेंडिंग ऑन आपको कितना प्रेशर मेंटेन करना है आप चूज कर सकते हो अप टू 9 लेवल। इसमें आपको मिलता है एंटी बैकफ्लो वाल्व, यानी इसका जो मोटर ट्यूब है एंड मिल्क कलेक्शन यूनिट है ये टोटली सेपरेट है, जिस वजह से जो मिल्क का फ्लो है वो रिवर्स मोशन में नहीं आता, कि मिल्क का कोई कंटेमिनेशन नहीं होता, आपका जो मिल्क है प्योरेस्ट फॉर्म में बॉटल यूनिट में स्टोर हो जाता है। इसमें आपको मिलती है USB चार्जिंग, आप इसे डायरेक्टली सॉकेट में डाल के भी चार्ज कर सकते हो या फिर आप USB चार्जिंग से भी इसे चार्ज कर सकते हो, विच मीन्स कि इसे चार्ज करना बहुत ही आसान है। आप इसे चार्ज कर सकते हो विथ योर AC अडेप्टर्स, योर लैपटॉप्स, योर पावर बैंक और इवन द कार चार्जर्स। प्लस इसका जो मोटर है ये स्मार्ट टच स्क्रीन है, यानी कोई बटन्स इन्वॉल्व नहीं है, आप इजीली इसे टच करके कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको मिलते हैं 100 मिनट्स का बैटरी रन टाइम, विच इज सो गुड, बिकॉज अगर आप ट्रैवल पर्पस से इसे यूज कर रहे हो सो डेफिनेटली ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाला है। इसका जो मोटर है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है एंड बहुत ही क्वाइट मोटर है, यानी जो दूसरे ब्रेस्ट पंप्स है बहुत ही एविडेंट साउंड आता है, हाउएवर इसका जो मोटर का जो साउंड है कंपैरेटिवली बहुत ही लो है। इसे असेंबल करना बहुत आसान है एंड बहुत ही इजीली आप इसे क्लीन कर सकते हो। सबसे बेस्ट है कि आप इसे कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठ के एक्सप्रेस कर सकते हो, यू डोंट हैव टू लीन फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू एक्सप्रेस योर मिल्क। सो सबसे पहले आपको ये प्लेस करना है ऑन योर ब्रेस्ट, जहाँ पे आपको स्मार्ट टच मिल जाता है, जहाँ पे आप कमांड दे सकते हो आपको कितना प्रेशर चाहिए, कितना इंटेंसिटी से ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करना है। एंड एज सून एज यू गिव द कमांड ओवर योर, यहाँ से मिल्क एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो है ये एक यूनिट है, ये मिल्क कलेक्टिंग यूनिट में सारा मिल्क स्टोर हो जाता है। सो दिस इज नथिंग बट अ बॉटल। सो जैसे ही आपका मिल्क एक्सप्रेस हो जाता है आप इसे इस तरीके से ओपन कर सकते हो। तो इसके साथ आपको बॉटल के सारे पार्ट्स मिलते हैं, तो जो भी मिल्क स्टोर हो जाता है वो आपको इसमें स्टोर करके नॉब बंद करनी है एंड आप अपने बच्चे को फीड कर सकते हो। जैसे ही आपका यूसेज हो जाता है आप इसे इस तरीके से क्लोज कर सकते हो, सो दैट देयर इज नो चांस ऑफ इन्फेक्शन। ऑल्सो इसको स्टेरिलाइज करना बहुत आसान है बिकॉज इसमें बहुत ही कम पार्ट्स है। सो उसके अलावा आपको इसमें ये इस तरीके की बैग भी मिलती है, सो दैट आप इसे इसमें स्टोर करके इस तरीके से पुल करके कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। उसके अलावा आपको इसमें मिलते हैं 2 फ्री ब्रेस्ट पैड्स, विच इज सो यूजफुल फॉर एनी न्यू मदर। सो या दिस वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस विद द लव लैब्स इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। सो अगर आपको लव लैब का इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप परचेज करना है आप इसे इजिली परचेज कर सकते हो फ्रॉम Amazon साइट और द लव लैब वेबसाइट इटसेल्फ। इन दोनों प्रोडक्ट्स की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, आई वुड लव टू आंसर, कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज आपको इसी तरीके की वीडियो आगे भी देखने मिल सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज उससे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी हम कोई न्यू वीडियो पोस्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही जल्द मिलेंगे बहुत सारे वीडियोस के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।